भारत में चलचित्रों की लोकप्रियता के बावजूद आज भी औरतों का सिनेमा में काम करना आसान नहीं है। आज के दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक कंगना रनौत को भी अपने माँ बाप का सामना करना पड़ा था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि पुराने जमाने में अभिनेत्री बनना कितना मुश्किल होगा? ये पेशा इतना बदनाम था कि जब 1913 में दादा साहब फाल्के ने हिंदी सिनेमा का सबसे पहला कथा चित्र राजा हरिश्चंद्र बनाया था, तब उनको कोई अभिनेत्री नहीं मिली थी। नतीजन हिंदी सिनेमा के पहले चलचित्र में अभिनेत्री का पात्र एक पुरुष ने निभाया था। राजा हरिश्चंद्र के लोकप्रियता के बाद एक माँ बेटी की जोड़ी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले उनके अगले कथा चित्र मोहिनी भस्मासुर में काम करने को राजी हो गई। पर कथाचित्र के प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया और अपने समाज से बाहर भी कर दिया। फिर भी इन दोनों ने हिंदी कथाचित्र की दुनिया में अभिनेत्रियों का दौर शुरू कर दिया। आंग्ल भारतीय, यूरेशियन और यहूदी लड़कियां उस वक्त सिनेमा में ज्यादा भाग ले पाती थी, क्योंकि वो प्रगतिशील परिवारों से आती थी और दफ्तरों में काम करने की आदि थी। 1920 से 1940 के बीच का मूक चलचित्रों का दौर इन्हीं का था। इनमें से कुछ प्रख्यात अभिनेत्रियां थी रूबी मायर्स, जिसे सिनेमा की दुनिया में सुलोचना कहा जाता था। वो एक टेलीफोन कंपनी में काम कर रही थी जब कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भावनानी ने उनको फिल्मों में काम दिया। वो उस वक्त में इतनी लोकप्रिय थी कि कहा जाता था कि वो मुंबई के गवर्नर से भी ज्यादा कमाती थी। एक और मशहूर अभिनेत्री थी एस्थर विक्टोरिया एब्राहम उर्फ प्रमीला। वो अध्यापिका का काम कर रही थी जब उनको निर्देशक रमाशंकर चौधरी ने काम दिया था। प्रमीला खुद अपने कपड़े और गहने बनाती थी। दिलचस्पी की बात यह है कि 1947 में पहले मिस इंडिया की प्रतियोगिता की ये विजेता थी। मैरी एन एवंस उर्फ फियरलेस नादिया को हंटर वाली के पात्र में सब आज तक याद करते हैं। नाटकों और सर्कस में काम करती मैरी को जमशेद वाड़िया ने फिल्मों में काम दिलवाया था। नादिया बाकी अभिनेत्रियों से भिन्न थी। वो खाइयों से कूदती, रेलों के ऊपर दौड़ती और शेरों से दोस्ती करती थी। पर जब 1931 में ध्वनि का आगमन हुआ तो इन अभिनेत्रियों का दौर समाप्त हो गया। ज्यादातर इनमें से कोई हिंदी बोल नहीं पाती थी और जो बोल सकती थी उनका उच्चारण सही नहीं था। इस परिवर्तन की शुरुआत हुई आलम आरा से, जब सुलोचना की जगह जुबेदा नाम की एक युविका को दी गई। नई अभिनेत्रियां ना सिर्फ हिंदी बोलती थी पर गा भी पाती थी, और तब शुरू हुआ संगीतमय चलचित्र का दौर। देविका रानी, दुर्गा खोटे और शांता आप्टे उस वक्त की सबसे मशहूर अभिनेत्रियां बन गई। भारत के स्वतंत्रता के बाद मूक चलचित्र की कई अभिनेत्रियां अपने परिवारों के साथ इजराइल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चली गई। कुछ निर्माता भी बनी, पर हमारी यादों से ये होनहार औरतें खो सी गई।